नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 12 जनवरी 2020, और यहां पर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स किस लेवल पर है दोस्तों, क्या खड़ा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है दोनों, और क्या आगे हमारा उसमें लेवल निकल के आ सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सबसे पहले। तो चलिए निफ्टी का सबसे पहले कैंडल को देख लेते हैं। देखिए, ये जो कैंडल है ये डोजी कैंडल है, और ये एक तरह का कन्फ्यूजन होता है क्योंकि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस कहीं ना कहीं आसपास होता है, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस आसपास होता है, इक्वल ना हो अलग बात है, लेकिन आसपास होता है। यानी आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसकी बात कर लें क्लोजिंग की, इसकी बात मैं यहाँ पे करता हूँ, तो इसका क्लोजिंग आप देखेंगे बिल्कुल 12,271 के आसपास हुआ है ओपनिंग, और क्लोजिंग जो हुआ है 12,256 के पास में हुआ है। यानी ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में अगर डिफरेंस की बात कर लें हम लोग, तो लगभग लगभग कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 14 पॉइंट का डिफरेंस आया है हमारे पास। ज़्यादा का तो डिफरेंस नहीं है, लगभग लगभग 14 से 15 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग में, यानी कि इक्वल माना जाता है। इसलिए इसको डोजी है, इसलिए इसको डोजी बोलते हैं क्योंकि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग आसपास होता है। तो इसका सिनेरियो क्या बनता है, इसमें सिनेरियो क्या बनता है कि इसमें बायर और सेलर जो है ना, दोनों एक्चुअली कन्फ्यूज है। बायर और सेलर क्या है, कन्फ्यूज है, वो किधर जाना चाह रहे हैं वो अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, हम लोग लेवल कुछ निकालते हैं जिससे बायर और सेलर दोनों जो है कन्फ्यूजन दोनों का खत्म हो जाए और दोनों एक डिसीजन ले सके। तो देखिए, यहाँ पे इस जो क्लोजिंग हुआ है, इसका कन्फ्यूजन क्लियर तब होगा, कन्फ्यूजन क्लियर तब होगा निफ्टी में, अगर हम लोग निफ्टी की पूरी एनालिसिस करें तो कन्फ्यूजन क्लियर तब होगा दोस्तों कि जब ये इस डोजी के हाई को ब्रेक करेगा। यानी कल अगर निफ्टी इस डोजी के हाई को ब्रेक करता तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, फिर क्लियर माइंडसेट हो जाएगा कि निफ्टी को ऊपर जाना है रिसेंटली, ठीक है। अब इस कंडीशन में सिनेरियो क्या बनता है, और अगर ये नीचे आता है, अपने लो को तोड़ता है, तो फिर ये क्लियर कन्फर्मेशन हो जाएगा कि निफ्टी को नीचे आना है रिसेंटली, तत्काल एक लेवल के पास, सपोर्ट लेवल के पास। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब जरा हम लोग इसके इंट्राडे के लेवल निकालने की कोशिश करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो देखिए, ये निफ्टी का सबसे पहले हम लोग क्लियर कट हाई को मार्क कर लेते हैं, जो कि आपने भी साफ सुथरा देख लिया है, हाई जो प्रीवियस हाई था, जैसा कि मैंने थर्सडे के वीडियो में बोला था, फ्राइडे के लिए जब एनालिसिस कर रहे थे, कि निफ्टी को हम लोग बाय का पोजीशन 12,300 के ऊपर ही बनाएंगे, बशर्ते उसको लेके तब जाएंगे जब वो 12,300 के ऊपर क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये क्लोज तो हुआ नहीं, तो हमें वहाँ पे काम नहीं करना था, क्लोज में लेके नहीं जाना था, इंट्राडे में जो ही निपटना था निपट लेना था, उसके बाद उसको रखना नहीं था। अब देखिए, क्लोजिंग हो गया 12,256 पर, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, क्लोजिंग 12,256 पर हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कल के सिनेरियो में क्या बन सकता है निफ्टी में, कि अगर हमें निफ्टी को बाय साइड में लेके जाना है, तो कम से कम जाहिर सी बात है, इसने जो हाई लगाया 12,311 का, तो उसको ब्रेक करना होगा। यानी कि अगर निफ्टी को हम बाय के साइड में देखें, अगर मैं निफ्टी को बाय के साइड में देखूँ, तो बाय हम तब करेंगे निफ्टी को। देखिए, दो तीन कंडीशन यहाँ पे लिखूंगा और उसको आप ध्यान में रख के ही ट्रेड करें, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, इसको ध्यान में रखें। तो निफ्टी को बाय करेंगे तब दोस्तों जब ये 12,310 के ऊपर निकलेगा, ठीक है। अगर ये 12,310 के ऊपर निकलता है और वहाँ पे सस्टेन कर लेता है, अपने आप को होल्ड कर लेता है निफ्टी 15 से 20 मिनट, अगर अपने आप को होल्ड कर लेता है, तो हमारा क्लियर कट बाइंग का पोजिशन बनेगा वहाँ पे निफ्टी में 12,300 के ऊपर ब्रेक करने पर। और उस कंडीशन में जो हमारा टारगेट निकल के आएगा 12,310 के ऊपर, वो हमारा टारगेट होगा लगभग लगभग 12,350 का, एक टारगेट नज़र में आ सकता है निफ्टी में, ठीक है। 12,350 के आसपास में एक टारगेट होगा। कंडीशन क्या है कि 12,310 के ऊपर निकले, यानी लगभग लगभग इसके हाई को ब्रेक करे, तो डोजी का अगर हाई ब्रेक हो जाएगा तो क्लियर कंफर्मेशन मिल जाएगा हमें कि बाइंग के साइड में लेके जाना है। तो टारगेट उस कंडीशन में 12,350 का देखने को मिल सकता है। ये एक सिनेरियो तो पहले ये हो गया। बाय के लिए दो सिनेरियो बनेंगे इसके, ठीक है। पहला सिनेरियो तो हो गया कि अपने प्रीवियस हाई को अगर ब्रेक करता है तो हम लोग 12,350 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं, अगर उसके ऊपर 15 से 20 मिनट सस्टेन कर जाए तो, एक बात तो ये हो गया। दूसरा एक कंडीशन क्या बनेगा कि अगर निफ्टी अभी का जो क्लोजिंग है 12,256 पे, वहीं के आसपास में निफ्टी ओपन हो जाए सपोज, है ना, या निफ्टी वहां से 25-30 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाए, तो अगर ऐसी कंडीशन होती है, तो अगर मान लेते हैं निफ्टी अगर 12,000, दूसरा कंडीशन क्या बनेगा कि अगर निफ्टी 12,000
280 के ऊपर भी अगर ओपन होता है, 12,280, मैं अगेन लिखना चाहूंगा, अगर निफ्टी 12,280 के ऊपर में ओपन होता है तो वहां से भी एक बाइंग का सिनेरियो बनता है, वहां से भी एक बाइंग का सिनेरियो बनेगा जो हमको लेके जाएगा लगभग लगभग 12,310 में, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर। यानी 80 से लेके 310 कितना पॉइंट आ रहा है, 12,280 से लेके 310 में कितना पॉइंट आ गया, 30 पॉइंट आ गया। यानी वहां से हम ज्यादा का उम्मीद नहीं करेंगे, 30 पॉइंट का उम्मीद करेंगे कि कम से कम 12,310 का एक टारगेट मिल सकता है। अगर ये 12,310 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तब वो पहला वाला लेवल एक्टिवेट होगा, तब वो हमारा पहला वाला लेवल एक्टिवेट होगा जो कि मैंने बोला था कि अगर ये 12,310 के ऊपर निकलेगा तो 12,310 के ऊपर निकलने पे 12,350 का एक टारगेट अचीव होगा। तो दो कंडीशन है कि अगर निफ्टी 12,280 के ऊपर ओपन होता है तो 12,310 के टारगेट के लिए पोजीशन बनेगा बाय पोजीशन, और अगर 12,310 को भी ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो 12,350 के लिए अगला टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बनेगा। ये दो सिनेरियो दिख रहे हैं बाय साइड में। अब इसी को ध्यान में रखते हुए जरा हम लोग सेल के कंडीशन में बात करेंगे कि अगर हमें सेल करना होगा निफ्टी को तो हम सेल किस लेवल पे करेंगे। अब देखिए निफ्टी की क्लोजिंग है 12,256 के आसपास में, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, 12,256 के आसपास में निफ्टी की क्लोजिंग है। अब मान लेता हूँ कल निफ्टी, मान लेते हैं कल निफ्टी डायरेक्ट ओपन हो गया 12,200 के पास में, कुछ भी हो सकता है। देखिए पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की है, एक बात तो ये तय है कि पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की, लेकिन मार्केट है, रात भर में कुछ भी हो सकता है, सिनेरियो बदल सकता है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम लोग दो तीन सिनेरियो को साथ रख के चल सकते हैं कि अगर निफ्टी ऊपर ना जाके 12,256 के ऊपर ओपन ना होके नीचे ओपन हो जाता है तो नीचे इसके पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैं अगेन वो फिर सपोर्ट आपको मार्क करना चाहूंगा, अगेन वो सपोर्ट जो हम लोगों ने पिछली बार मार्क किया था उस सपोर्ट को हम लोग कहीं ना कहीं मार्क करेंगे। और वो सपोर्ट कितना आ रहा है, अब वो सपोर्ट निकल के आ गया है 12,150 पे था पहले, अब वो उठ के आ गया है 12,200 पे, ठीक है, पहले 12,150 पे था वो सपोर्ट, अब 12,200 पे उठ के आ गया है। यानी कि अगर ये निफ्टी कल 12,256 के नीचे यानी 12,250 के नीचे निकलता है, हाँ अगर हम यहाँ पे लिख देते, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा कि अगर निफ्टी 12,250 के नीचे ओपन होता है तो सेल का कंडीशन बनेगा, ठीक है। अगर निफ्टी 12,250 के नीचे ओपन होता है तो 12,200 का एक टारगेट आपको यहां पे देखने को मिल सकता है, 12,200 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर ये 12,200 के नीचे भी निकल जाए तो फिर हमारा जो एक टारगेट निकल जाएगा वो 12,150 से लेके 12,160 का एक लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन इसकी संभावना फिलहाल कम है, फिलहाल इसकी संभावना कम है क्योंकि 12,200 ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट उभर के नया सपोर्ट बना है। तो एक कंडीशन ये हो गया कि अगर निफ्टी 12,250 के नीचे निकलता है तो 12,200 के टारगेट के लिए शॉर्ट का पोजीशन बनाया जा सकता है। कुछ गड़बड़ हो गई, ज्यादा खराब स्थिति हो गई, निफ्टी ओपन ही हो गया 12,200 पे, कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं निफ्टी ओपन ही हो गया 12,200 के आसपास में, जिसकी की पॉसिबिलिटी फिलहाल कम है, लेकिन अगर ये ओपन ही हो गया 12,200 के, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, फिर ये अनडिसीजन वाली बात हो गई। अब यहाँ पे अभी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोई क्लियर चीज नहीं, हमें वेट करना होगा कि निफ्टी 12,200 के नीचे निकल रहा है कि निफ्टी ओपन होने के बाद 12,200 के ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर जाएगा तो 12,256 के लिए बाय का पोजिशन बनेगा, 12,256 के लिए बाय का पोजीशन बनेगा। अगर निफ्टी 12,200 के आसपास में कहीं ओपन भी होता है तो वेट करेंगे, अगर निफ्टी वहां से ऊपर जाता है 15-20 मिनट सस्टेन करने के बाद तो 12,256 के टारगेट के लिए यानी 250 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन, और अगर ये निफ्टी 12,200 के नीचे निकल आता है ओपन होने के बाद तो फिर 12,160 के टारगेट के लिए शॉर्ट का पोजीशन। क्लियर, निफ्टी का व्यू मेरा यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कोई भी पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है, इस लेवल को ध्यान में रखें और ट्रेड करने से पहले अपनी भी रिसर्च एनालिसिस जरूर कर लें। अब इसी कंडीशन में जरा हम लोग बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। चलिए अब जरा हम लोग बैंक निफ्टी के भी लेवल को यहाँ पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। देखिए सारे चीज चार्ट देखने से आपको समझ में आ जाएंगे, अगर आप चार्ट देखते हैं तो चार्ट को देखा करिए, मेरा मानना है चार्ट देखने से ही मैक्सिमम काम आपके निपट जाएंगे। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, चलिए बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है 32,097 के आसपास में, तो 32,097 कहने का मतलब है 32,100, है ना, 32,097 का मतलब हो गया 32,100, यही ना निकल के आएगी बात,
क्योंकि 32,97 का लेवल 3.32,100 से निपटता है, तो यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस मार्क हो गए हमारे। और आप देखेंगे अगर जैसे ही ये मैंने ड्रॉ किया तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, मैंने ड्रॉ किया 32,31,750 का, यानी 31,800, 31,750 से लेके 31,800 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी पे, ठीक है। 31,750 से लेके 31,800 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन, क्योंकि पहले ये रजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब यही सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर एक और रेजिस्टेंस इसने क्रिएट करके रखा हुआ अपर साइड में, और वो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपको आ रहा है 32,500 का, ठीक है। तो एक नीचे सपोर्ट हो गया 31,750 से लेकर 31,800, और एक रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में हो गया 32,500 का। ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो बनाया है ना, इसको एक्चुअली इस कैंडल को डोजी नहीं बोलते, इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। ये जो बनाया है ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि ये टॉप पे नहीं बना है, इसको कहीं ना कहीं टॉप पे बनना चाहिए था, तभी जाके ये वैलिड होगा। ये टॉप पे नहीं है तो ये वैलिड फिलहाल तो नहीं है। अब देखते हैं वैलिड ये यहाँ पे था, ये टॉप पर है, यहाँ पे ये वैलिड था, ये भी स्पिनिंग टॉप ही था, ऊपर से नीचे आया उसके बाद। खैर ये स्पिनिंग टॉप है लेकिन वैलिड नहीं है, चूंकि ये टॉप पे नहीं है, ये मेरा अपना मानना है इस कैंडल के बारे में। तो अब चलिए इसको वेट करते हैं, इसमें देखते हैं कि इसमें हमारे लिए लेवल क्या था। अभी देखिए इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग पे ध्यान दीजिए जरा। इसकी ओपनिंग हुई थी 32,215 के आसपास में, इसकी ओपनिंग हुई थी 32,215 के पास में, और क्लोजिंग हुआ है 32,100 के आसपास में। तो कुल मिला के 115 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। कुल मिला के डिफरेंस कितना हो गया, 115 पॉइंट का। ये कोई बड़ी डिफरेंस नहीं है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब कल बैंक निफ्टी में दो तीन सिनेरियो जैसे निफ्टी में लिया, उसे बैंक निफ्टी को भी देखेंगे कि अगर बैंक निफ्टी सिंपल, पहली तो बात ये है कि हमको इसमें बाय का कंडीशन जब तक 32,500 को ब्रेक नहीं करेगा। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर कल 32,500 को ये ब्रेक नहीं करता है तो हमें बाय का पोजीशन नहीं बनाना है। एक बात आप ध्यान से सुनिए, देखिए दो तीन कंडीशन। पहला कि अभी क्या क्लोजिंग है 32,100 के पास में, अगर ये 32,100 के ऊपर ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर ये 32,100 के ऊपर में ओपन हो जाता है तो हम लोग बाय का पोजिशन बनाएंगे। अगर ये 32,100 के ऊपर में ओपन होता है, ये जो अप एरो लगा ना, ये अपर अपर का ले बात बता रहा हूँ कि अगर ये 32,100 के ऊपर में निकलता है, मैं डीप रेड कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। या तो यहाँ पे अगर ये 32,100 के ऊपर में निकलता है तो बाय का कंडीशन बनेगा। टारगेट होगा जो प्रीवियस डे का जो हाई प्राइस है ना, प्रीवियस डे का जो हाई प्राइस है वो 32,350 के आसपास का है, वही हमारा वहां से टारगेट होगा। तो टारगेट क्या निकल के आएगा, अगर ये 32,100 के ऊपर में ओपन होता है तो टारगेट होगा 32,350 के पास में, ठीक है। 32,350 का एक टारगेट होगा जो कि प्रीवियस डे का हाई प्राइस आसपास कहीं ना कहीं आ रहा है। अब मान लेते हैं दूसरा कंडीशन कि 32,350 के ऊपर ही ओपन हो गया, गैप अप ओपन हुआ और 32,350 के ऊपर में ओपन हो गया, फिर क्या करेंगे, फिर हम वहां पे वेट करेंगे कि अगर ये 32,350 के ऊपर में अगर ये ओपन होता है तो वेट करेंगे कि वहां से सस्टेन करके नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है। रीजन देखिए आप ध्यान से, इस दो कैंडल का बिल्कुल हाई इक्वल है, कहीं ना कहीं इसका हाई और इसका हाई इक्वल है पास में, है ना, ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पर से एक डाउन सेल का प्रेशर है, नीचे आने का एक प्रेशर है। तो हो सकता है अगर अगर ये 32,350 के आसपास में ओपन होता है तो वहां से नीचे आने की ये कोशिश करेगा, तो उस कंडीशन में एक सेल का पोजिशन बनेगा। अगर ये 32,350 के ओपन होने के बाद नीचे आना शुरू करता है तो एक सेल का पोजिशन बनेगा, जो कि हमारा जो टारगेट होगा वो 32,100 के आसपास का होगा, जो टारगेट होगा फिर वो 32,100 के आसपास होगा। अगर ये गैप अप ओपन होने की कंडीशन में, अगर ये गैप अप ओपन होता है 32,350 के पास और वहां सस्टेन नहीं करता है, नीचे आने लगता है, तो नीचे की साइड में एक टारगेट मिलेगा 32,100 का, जो कि प्रीवियस डे का कहीं ना कहीं क्लोजिंग आ रहा है, ठीक है। ये टारगेट होगा, एक कंडीशन ये हो गया। अब ये 32,350 के पास ओपन होने के बाद वहां सस्टेन करता है, अप साइड में जाने की कोशिश करेगा, तो हमारा इस कंडीशन में टारगेट निकल के आएगा 32,500 का, ठीक है, 32,500 का। वहां पे हमें डिसीजन लेने के लिए वेट करना पड़ेगा कि अब ये 32,500 को भी ऊपर ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वहां से ब्रेक नहीं कर रहा है, बार बार टेस्ट कर रहा है, तो वहां से एक सेल का कंडीशन बनेगा, फिर 32,500 के बाद से सेल का कंडीशन बनेगा, जो फिर 32,300 के तरफ आने की कोशिश करेगा, 32,350 की तरफ में। ये एक दो कंडीशन इसके निकल के आते हैं। अब ये गैप डाउन ओपन हो गया, सपोज अभी तो गैप अप ओपन हो रहा था, अब कहीं कहीं मान लेते हैं ये मार्केट है, गैप डाउन ओपन हो गया, फिर क्या करेंगे,
तो गैप डाउन ओपन होने की कंडीशन में दोस्तों इसमें हम लोगों को क्या करना है कि गैप डाउन अगर इसका जो ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस है 32,100, इस कैंडल का ध्यान से देखिए 32,100 की क्लोजिंग है और ये 32,000 पे ओपन हो गया, ठीक है, 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया। अब एक तो ये बात हो सकता है कि 32,100 पर है तो 32,100 पे क्लोज हुआ तो 32,000 पे गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे हमें वेट करना है, फिर इस जगह पे इस लेवल, अब देखिए इतना अच्छे से लिख के समझा रहा हूँ, इसके बाद भी अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप लोग नहीं समझ पाए तो मेरे में ही कुछ खराबी होगी, कमी होगी जो मैं आप लोगों को ना समझा पाऊँ, ठीक है, मैं अपनी ही कमी मानूंगा क्योंकि बाकी तो सारे लोग समझदार ही हैं अपने आप में, तो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, फिर लोग मुझे व्हाट्सअप करके मैसेज करते हैं ये चीज़ समझ में नहीं आया वो चीज़ समझ, इतने अच्छे तरीके से तो मैं बता रहा हूँ फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है लेवल, फिर अगले दिन मैं बोलते हैं अगले दिन मैसेज भी करते हैं कि आपका लेवल परफेक्ट बैठा, आपका लेवल के हिसाब से हुआ, वो अलग बात है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या क्या नहीं समझ में आता है। तो अगर ये 32,000 के पास ही ओपन होता तो वहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, अगर वो वेट करते हैं तो हमें वेट करना है कि ये 32,000 के अपसाइड में जाने की कोशिश करता है या डाउन साइड में, ठीक है। अगर ये 32,000 के पास 15 से 20 मिनट ऊपर में सस्टेन कर गया तो जो प्रीवियस हाई लेवल क्लोजिंग प्राइस था 32,100 का, पहले तो ये उसको ब्रेक करेगा और दूसरा जो हाई लेवल था 32,350 का, ये उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, दो कंडीशन। और अगर इसके नीचे ये निकलता है 32,000 को टेस्ट करता है तो आपको पता है तो जो इसने लो लगाया हुआ था, इसका जो लो है, इसका लो है 31,950 का, तो सबसे पहले तो ये 31,950 की तरफ आने की कोशिश करेगा और दूसरा लेवल 31,900 की तरफ आने की कोशिश करेगा। ज्यादा डाउनफॉल हुआ तो 31,800 बहुत हो गया, उसके बाद तो कोई पॉसिबिलिटी फिलहाल तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे हेवी सपोर्ट है जो मैंने पहले ही ये लाइन मार्क करके रखा हुआ है। ये गैप डाउन 100 पॉइंट के मामले में बता रहा हूँ। अब ये और किसी बैड न्यूज के वजह से ये 31,800 के पास ही अगर ये ओपन हो जाए, है ना, 31,800 के पास ही ओपन हो तो वहां पे सेल का पोजीशन नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं, वहां पे वेट करेंगे कि कहीं उस गैप को फिल करने ये ऊपर की जाएगा तो फिर ये 32,000 के टारगेट के लिए 32,000 और 32,100 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बनेगा अगर ये ज्यादा गैप डाउन होता है तो, क्योंकि 31,800 के पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है जिसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा तो वहां से अपसाइड में जाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है, और रिमाइंड करा दूं कि ये मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का ऑनलाइन बैच 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 15 जनवरी 2020। तो जिन लोगों को कोर्स ज्वाइन करना हो वो मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरे वेबसाइट www.rktrading.online पे भी जाके सारी जानकारी ले सकते हैं कोर्स वाले सेक्शन में। और ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल बताएं कृपया इसको ध्यान में रखें और अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले खुद भी अपनी रिसर्च एनालिसिस कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब दोस्तों मिलते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये मेरा जो बताता हूँ कहीं कोई दिक्कत होती है समझने में या अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है, उम्मीद करता हूँ समझ में ही आता होगा, लेकिन फिर भी कोई कमी रह जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।